कि आज इतनी कठिन परिस्थिति के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़ेगा जब ये पांचों उंगलियां एक मुट्ठी की तरह एक साथ काम करेंगी। जो लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, वो केवल प्रकृति के खिलाफ काम नहीं कर रहे, वो भारत के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। दिल्ली के ऊपर एक एडिशनल बर्डन हुआ, दिल्ली देश की राजधानी है, तो पिछले 2 महीने के अंदर विदेशों से बहुत सारे यात्री आए, वो बॉम्बे भी आए, हैदराबाद भी आए, कलकत्ता भी आए, चेन्नई भी आए, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा आए। और हम देख रहे थे कि किस तरह से दूसरे देशों के अंदर कोरोना फैला हुआ था और वहाँ से अपने देश में आया। दिल्ली में सबसे ज़्यादा यात्री आए, इसलिए दिल्ली पे थोड़ा ज़्यादा बोझ उसका पड़ा। अब आने वाले समय में भी अगर हमने 2-3 हफ्ते और अच्छे से इसका पालन किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें लॉकडाउन से, हमें कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत सारे कदम हम सब लोग मिलकर उठा रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। और अगर इस वक्त हम लोगों ने अनुशासन में रह के इस तकलीफ़ का सामना कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हालत बाकी दुनिया के देशों की है, ऐसी हालत अपने देश की नहीं होगी और हम कोरोना से मुक्ति पा पाएंगे। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में प्रकृति का प्रकोप इस टाइम चल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से लोग दुखी हैं, प्रकृति के सामने सब लोग बेबस हो जाते हैं। कितने शक्तिशाली देश, अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, आज से 3-4 महीने पहले आप सोच सकते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इतने शक्तिशाली देशों के अंदर इस तरह की महामारी फैलेगी, पूरे विश्व के अंदर इस तरह की महामारी फैलेगी कि लोग इतने बेबस हो जाएंगे प्रकृति के सामने? हम सोच भी नहीं सकते थे। हम इसे प्रकृति बोल लें, हम इसे अल्लाह बोल लें, हम इसे ईश्वर बोल लें, हम जो मर्जी बोल लें, लेकिन प्रकृति बहुत शक्तिशाली है और इंसान उसके सामने बेबस हो जाता है। और इतिहास में हमने देखा है कि जब जब इंसान ने प्रकृति के नियमों को नहीं माना, तब तब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है। गीता में भी लिखा है ना कि हमें मानव जीवन मिला है दूसरों की सेवा करने के लिए, कि हम अपनी ज़िंदगी का एक एक पल दूसरों की सेवा में बिताएं। और अगर कोई हिंसा फैलाता है, नफ़रत फैलाता है, तो वो प्रकृति के ख़िलाफ़ काम करता है, वो ईश्वर के ख़िलाफ़ काम करता है, वो अल्लाह के ख़िलाफ़ काम करता है। मुझे बहुत दुख होता है कई बार कि आज इतनी कठिन परिस्थिति के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि इतने नाजुक दौर से जब पूरी दुनिया गुज़र रही है, इतने नाजुक दौर से जब अपना देश गुज़र रहा है, तब भी कुछ लोग हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस किस्म के वीडियो डालते हैं, उस किस्म का सब कुछ चीज़ें डालते हैं सोशल मीडिया के अंदर, लोगों में नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। ये प्रकृति के ख़िलाफ़ है। प्रकृति ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। हमारा देश आगे बढ़ेगा जब ये पांचों उंगलियां एक मुट्ठी की तरह एक साथ काम करेंगी। जो लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, वो केवल प्रकृति के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे, वो भारत के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। सभी धर्म और सभी जातियों के लोग जब मिलके एक साथ एक मुट्ठी की तरह काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी इंसानियत आगे बढ़ेगी।
तभी मुल्क आगे बढ़ेगा और तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के केस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। मैं देख रहा था डेटा, 9 अप्रैल को जैसे केवल 51 केस बढ़े थे, 10 अप्रैल को 183 केस बढ़ गए, 11 अप्रैल को 166 केस बढ़ गए, 13 अप्रैल को कल 356 केस बढ़ गए। ये चिंता का विषय है, ख़ास तौर से आप सबका मुख्यमंत्री होने के नाते, दिल्ली का की जिम्मेदारी होने के नाते मुझे काफ़ी चिंता है इसको लेके। हम सब दिल्ली के लोगों के लिए ये चिंता का विषय है। दिल्ली के ऊपर एक एडिशनल बर्डन हुआ, दिल्ली देश की राजधानी है तो पिछले 2 महीने के अंदर विदेशों से बहुत सारे यात्री आए, वो बॉम्बे भी आए, हैदराबाद भी आए, कलकत्ता भी आए, चेन्नई भी आए, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा आए। और हम देख रहे थे कि किस तरह से दूसरे देशों के अंदर कोरोना फैला हुआ था और वहाँ से अपने देश में आया। दिल्ली में सबसे ज़्यादा यात्री आए इसलिए दिल्ली पे थोड़ा ज़्यादा बोझ उसका पड़ा। दिल्ली में एक और घटना घटी मरकज़ की, उसका भी एक एडिशनल बर्डन दिल्ली के ऊपर पड़ा। इन कारणों से दिल्ली के अंदर अभी केस थोड़े ज़्यादा हैं, पर हम सब लोग मिलके इसको संभाल लेंगे, ऐसा मेरा दिल कहता है, ऐसा मुझे विश्वास है। इस स्थिति को हम लोग संभाल लेंगे, अभी तक हमने संभाला, इसको ज़्यादा फैलने नहीं दिया। इतने सारे केसेस आए थे, इतने सारे केसेस हुए थे, इसको हमने ज़्यादा दिल्ली के अंदर फैलने नहीं दिया और हम सब लोग इसको मिलके संभालेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को 3 मई तक आगे बढ़ाया है, ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि अगर नहीं बढ़ाते तो फिर कोरोना और ज़्यादा फैल जाता। दिल्ली के अंदर हमें सबका साथ मिला है पिछले कुछ दिनों में, दिल्ली के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ लॉकडाउन की जो जो शर्तें थी उनका पालन किया है। अब आने वाले समय में भी अगर हमने 2-3 हफ्ते और अच्छे से इसका पालन किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें लॉकडाउन से, हमें कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में हमने कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं खूब सारे, 47 कंटेनमेंट जोन, मतलब जिस इलाके में 3 या 3 से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिलते हैं तो उस पूरे इलाके को हम सील कर देते हैं, उस इलाके के बाहर किसी को नहीं जाने देते और इस इलाके के अंदर किसी को नहीं आने देते, उस इलाके को सारे को सैनिटाइज करते हैं। और भी कई सारे कदम, ऑपरेशन शील्ड वहाँ पर लागू किया जाता है जो बेहद सक्सेसफुल है, ताकि वहाँ पे और कोरोना के पेशेंट ना फैल सकें। पूरी दिल्ली के अंदर सैनिटाइजेशन के लिए 60 मशीनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें से 10 मशीनें हमने जापान से मंगवाई हैं। इसके अलावा 14,000 हमने कोरोना फुट वॉरियर्स की टीम्स बनाई हैं, जो कि पूरी दिल्ली के अंदर घर घर के अंदर जाके, जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर घर घर में जाके ये कोरोना से के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, सर्वेलेंस करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, कई सारे काम इन 14,000 टीम से करवाए जाएंगे। तो बहुत सारे कदम हम सब लोग मिलके उठा रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, और अगर इस वक्त हम लोगों ने अनुशासन में रह के इस तकलीफ़ का सामना कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हालत बाकी दुनिया के देशों की है ऐसी हालत अपने देश की नहीं होगी और हम कोरोना से मुक्ति पा पाएंगे। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर कल मैंने मनीष सिसोदिया जी को भेजा था वहां का मुआयना करने के लिए, उन्होंने आके पूरी रिपोर्ट मुझे दी है। कल मैं भी जाऊंगा कुछ कंटेनमेंट जोन्स का मुआयना करने के लिए और देखने के लिए कि सब लोगों को सहूलियत मिल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। ऑटो के ड्राइवर्स, ग्रामीण सेवा के ड्राइवर्स और भी कई सारे जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं इनके ड्राइवर्स के लिए हमने 5,000 रुपये उनको देने के लिए योजना चालू कर दी है। मेरे पास कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं कि वो शायद वेबसाइट
पे बहुत बिजी चल रही है। उसका कारण यह है कि हजारों लोग एक साथ उसके ऊपर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन है, आप चिंता ना करें, एक दो दिन रुक जाएं, सबको पैसे की सहायता दी जाएगी, किसी को नहीं रहने देंगे। तो एक दो दिन बाद आप लोग कर ले, एक साथ अगर आप करेंगे तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है। तो हम सब लोग मिलके इसका कोरोना का सामना करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सब्सक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।